और उत्तराखंड में एनआईटी विवाद सुलझाने की कवायद तेज हो गई है। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत ने कई अधिकारियों के साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। धन सिंह रावत ने दावा किया कि एनआईटी का स्थायी कैंपस सुमाड़ी में ही बनेगा। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की है। सर, क्या रहा मुलाकात में, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के आप लोगों ने चर्चा? देखिए, आज गढ़वाल लोकसभा के सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत जी और मैं, हमारे ACS और विभाग के सभी अधिकारी, आज माननीय मानव संसाधन मंत्री माननीय निशंक जी से हमारी एक बैठक थी और बैठक में एक सूत्री कार्यक्रम था कि जो हमारा NIT श्रीनगर में है वो काफी दिनों से उसमें गतिरोध चल रहा था, कई भ्रांतियां हो रही थी कि NIT यहां से जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की पहल से और हमारे केंद्रीय मंत्री जी की पहल से आज ये तय हो गया कि इस बार के एडमिशन अब श्रीनगर में होंगे। जो बच्चे जयपुर गए हैं उनको भी वापस जयपुर से जो है श्रीनगर लाया जाएगा और सितंबर के माह में कभी भी जब मुख्यमंत्री जी और हमारे मानव संसाधन मंत्री जी का टाइम लगेगा, हम सुमाड़ी में जो हमने 309 एकड़ जमीन NIT के लिए दी है उसका भव्य शिलान्यास वहां पे किया जाएगा और 2 या 3 सालों में NIT का अस्थायी कैंपस श्रीनगर और सुमाड़ी में बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी ये सौगात भी है। सर, क्या क्लस्टर विश्वविद्यालय, सीमांत क्षेत्रों में विश्वविद्यालय, इनको भी लेकर के यहाँ पे बातचीत हुई और क्या ये माना जाए कि अब NIT को लेकर के जो भ्रांतियां थी वो अब भ्रांतियां कहीं उस पर फुल स्टॉप लग जाए? मैंने कहा कि NIT का जो मामला था उस पर 4 विराम लग गया है और मैं मुख्यमंत्री जी का, माननीय निशंक जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने खुद 3 बार इस पर पहल की है और अब इस पर 4 विराम लग गया कि जब एडमिशन ही वही होंगे तो फिर 4 विराम ऑलरेडी हो जाएगा और इस बार फर्स्ट ईयर के एडमिशन भी होंगे। एक नया क्लस्टर विश्वविद्यालय की डिमांड की है और पिछली बार भी मैंने डिमांड की थी उसमें, लेकिन कुछ मानकों में उस समय थोड़ा सी हम लोग पीछे हो गए थे, लेकिन इस बार हमने पूरे राज्य सरकार ने मानक पूरे किए हैं और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जी ने उसमें हाँ भरी है कि हम उसको देने के लिए तैयार हैं। साथ ही मैंने एक महिला विश्वविद्यालय के लिए कहा है कि हमको एक महिला विश्वविद्यालय देने के लिए भी मैंने कहा है। एक ज्योतिष विश्वविद्यालय हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में बने। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए धन सिंह रावत जी, जिनका साफ सीधे तौर पर कहना है कि NIT को लेकर के जो भ्रांतियां फैली हुई थी उस पर आज की मीटिंग के बाद पूर्ण विराम लग गया है। कैमरामैन विकास भारती के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।